हेलो हेलो, मैं आपकी राह देख रहा था। क्या आप वही इंसान हो जिसने पूरी दुनिया घूमी है? हाँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया? कैसे पता चला? गांव में मेरी एक दोस्त रहती है जो आपके बारे में बात करती है। आपने तो सी मॉन्स्टर से भी लड़ाई की है और आपको वक्त नहीं मिला, इसलिए आपने अपने बाल भी नहीं कटवाए ना। इंटरेस्टिंग, तुम्हारा नाम क्या? जेनर। मेरा सपना है कि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है बोट के जरिए। क्या आप मुझे गाइड करेंगे? सुपर, फैंटास्टिक। तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है? स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। अच्छी चॉइस है। वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी साथ मिलता है। अगर तुम सेलर बनना चाहते हो तो तुम्हें मैप्स पढ़ते आना चाहिए। क्या ये तुम्हारा मैप है? यस। क्या मैं तुम्हें बताऊं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कैसे जाते हैं? मैं शुरुआत से बताता हूँ। ओके, वहाँ एक जंगल है, उसके पीछे एक पोर्ट है। पोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ बोट्स आती जाती रहती है। उस पोर्ट से तुम उस स्ट्रेट के पास होंगे और फिर तुम आते हो मार्मरा सी के पास और फिर स्ट्रेट ऑफ डार्डनेलेस, एगन सी, और वहाँ से मेडिटेरेनियन सी से होते होते तुम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पहुँचोगे। क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर हम कैसे जा सकते हैं? हाँ जानेर, मिलकर अच्छा लगा। वैसे तुम्हारी स्कूल कैसी चल रही है? क्या तुम अपनी बहू के साथ खुश हो? ओ नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम चुप ही रहना। पर ये इतना आसान नहीं है। अरे चुप रहना वरना बेटे को खोदोगी। क्या कर सकती हूँ? पोते का जन्मदिन कब है? अगले शुक्रवार को। अब क्या तुम हमारे लिए कुछ स्टफ्ड ग्रेप लीव्स बना सकती हो? हाँ हाँ, जरूर बना। हेलो, उसे मेरी बेस्ट विशेस। हाँ हाँ, चलो बाद में मिलते हैं। कितनी गर्मी है मैं कभी। मुझे लगता है कि इमरे अभी तक हमें। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। हाँ सच में। लेकिन वो एक अच्छा लड़का है, फिर भी शांत है, देखो ना। और वो एक भी गलती नहीं करता, और मुझे तो ये सोच के ना सोच के ही शर्म आ रही है। हम बता नहीं पाए कि हम सच में कितने शर्मिंदा है। अब हम क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं पता अब हम क्या करें। अगर अच्छा। तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो बताओ, हम उसे अपनाएंगे। एक रास्ता है। सच में? तुम्हें पता है हम क्या करने वाले? क्या? हम अपने दामाद के लिए ना एक अच्छा सा गिफ्ट लेंगे और फिर हम दोनों तैयार होकर वो गिफ्ट देने उनके ऑफिस जाएंगे। इससे उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। या, 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 क्या बात है, ये अच्छा आइडिया है। मैं के भाई, ब्रावो ब्रावो, ऐसे ही करते हैं। पर उनके लिए क्या खरीदेंगे? ये बाद में सोचेंगे ना, पहले मैं जाकर तैयार तो हो जाऊं। तुम हाँ, मैं सोच ठीक है, मैं जाकर दुकान बंद करता हूं। मैं दुकान बंद करता हूं पहले। मैं वॉलेट लेकर आता हूं। वॉलेट कहां है? हां हां ठीक है, मैं लिखना शुरू करने वाली हूँ। क्या बात है? ब्रावो! क्या बात? कुछ क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, पर एक बार जब तुम लिखना शुरू करते हो तो मुसीबतें कम हो जाती है। अच्छा ठीक है, हो गया। मैं ये जानता था। थैंक यू सो मच। जान, क्या आपको पता है सनम ने लिखना फिर से शुरू कर दिया है और वो उसकी दूसरी किताब होगी। हाँ, लेकिन सिर्फ ड्राफ्ट्स। कोई नहीं, शुरुआत तो हुई है, अच्छी बात है। बेटा अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आ गए। मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करते करते थक गया था। तुम कहाँ थे? तुम अपने डैड की मदद क्यों नहीं करते? मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा। आप आराम कीजिए डैड, जब तक बोट रिपेयर नहीं हो जाती मैं एजेंसी पर ध्यान रखूंगा। क्या बात है। और क्या चाहिए? I'm sure यह सनम के लिए भी अच्छा रहेगा। ये सिर्फ ड्राफ्ट्स है, मैं एजेंसी के काम में नहीं इन्वॉल्व होने वाली, इसलिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जान, क्या आप सीरियस हो? मुझे तो लग रहा है आज का एक्सेप्शनल दिन है। मुझे यकीन है कि एस्ट्रोलॉजिकली मैं जब घर जाऊंगी सबसे पहले हॉरोस्कोप देखूंगी। हाँ, मैं ये निगलेक्ट नहीं करूंगा। तर 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 तम तम पम तर 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 पम 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 ता। गुड न्यूज है। सुनो सुनो, आज से फिक्री हरिका कंपनी से मेरा कोई नाता नहीं है। मेरा बेटा आपसे देखभाल करेगा। मेरा बेटा जान, मेहरबान। रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। जे जे, अब मैं ध्यान देने वाला हूँ तो आपने पूरा नाता ही खत्म कर दिया। हाँ हाँ सच में, बस यही एक रास्ता है सनम और जान को साथ में रखने का, भूलना मत। हाँ, तुम समझ गया। ओके ओके ओके, आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ दो तीन सेंटेंसेस ही लिख पाई हूँ। क्या हुआ बोलो? मिस्टर अजीज ने कहा उन्हें साथ में रखने के लिए। सनम,
ये एक एजेंसी है, तुम ऐसा नहीं कह सकती कि तुम इन्वॉल्व नहीं होगी। हम तुम्हारे लिए एक बुक प्रिपेयर कर रहे हैं और तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तुम्हारी आइडियाज हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे सच में एजेंसी में इन्वॉल्व नहीं होना है, इसीलिए प्लीज। सनम डेरेन सही कह रही है, हमें एजेंसी की मदद करनी चाहिए। ये आदमी मुझे पागल कर देगा, ये हर जगह इन्वॉल्व होता है। अब मुझे पिछले साल के रिकॉर्ड्स चेक करने हैं। क्या तुम्हारे पास डॉक्यूमेंटेशन है? क्योंकि मुझे कई सारी चीज जाननी है। हाँ यही है। ठीक है ठीक है, ओके। सब कुछ ठीक है, इसलिए अब मुझे काम करना चाहिए। अब मुझे जाना चाहिए, तुम ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ। ठीक है, सब देखना। कहाँ जा रही हो? मैं अकेले नहीं कर सकता। मिस्टर येगेट, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? जोक मार रहा था लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। क्या तुम हाई हील्स से चल पाओगी क्या? हाँ, तुम मेरे हाई हील्स में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? नहीं, मैं नहीं सुन सकती। ये मेरा ऑफिस है और मेरा खुद का अपना रूल है। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। तुम इस बात को समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम एक जंगल में रहने वाले आदमी हो। तुम यहाँ नेचर में रहते हो और मैं एक सिटी में रहने वाली इंसान हूँ। ओह, मैं थक गई हूँ। तुम मेरी सारी एनर्जी ले लेते हो। वैसे मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहूंगी। तुम मुझे इस एड्रेस तक ले जाओगी? क्या तुम अकेले नहीं जा पाओगी? नहीं जा सकती। अगर मैं कह रही हूँ कि हम साथ में चलते हैं, इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। मैं जो कहती हूँ उस बात को काटा मत करो। आइए। देखो, जब तुम मेरी बात सुनते हो तो तुम एक अच्छे आदमी बन जाते हो और मैं एक अच्छी औरत। चलो अब मेरे साथ आओ। प्लीज जेजे, देखो जेजे, ये हमारी पहली जॉब है। प्लीज मेरे साथ आओ तुम। प्लीज मुझे खींच क्यों रहे हो? चलो ना। मुझे मिस डेरेन ने मुझे एक ड्यूटी दी है, मुझे वो करनी चाहिए। जेजे, तुम अब ऐसी हरकतें करना छोड़ दो, क्योंकि तुम अब एक वर्कर नहीं हो, तुम एक बॉस हो। तुम इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, बात समझ रहे हो तुम? ये हमारा पहला कमर्शियल है, हमें करना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, मिस्टर अजीज भी हमारी फिक्र नहीं करते। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मुझे बिजी मत करो, मैं जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ो, मुझे मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। इस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। चलो ना। अरे तुम दोनों आर्ग्यू किस बात? मैंने बड़ी मुश्किल से एक प्रोजेक्ट लाया हूँ, लेकिन इसे उसकी कोई कदर ही नहीं है। मैं कब से कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, लेकिन चलने को तैयार ही नहीं है। पूछो इससे क्यों? जे मुझे और भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है डेनिस। हाँ ओके, तो फिर यही करो तुम। और हम उस आदमी के पास जाएंगे जो इस कमर्शियल को बनाना चाहता है, मिस्टर बातिन। वो मुझे बहुत लाइक करते हैं और इस बात में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? हाँ, सही कह रही है, सही कह रही है। वो तुम्हारे साथ आएगी, मैं जा रहा हूँ। वही चीज बिल्कुल भी नहीं है। हम एक कंपनी है, क्या बोल रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? वो देखो भाग रहे हैं। सुनो, मुझे लगता है हमें ये यूज करना चाहिए। ये काफी ब्रीफ और यूजफुल रहेगा। ब्रीफ और यूजफुल, ओके। मुझे अब अंदर जाकर कुछ देखना चाहिए। तुम कंटिन्यू करो। मैं नहीं कर पाया। अरे यार, क्या नहीं कर पाओगे? हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। मेरे लिए भी लाओ मैं तो बस मजाक कर रहा था जीजी ऐसा मत करो। अरे मैं मजाक कर रहा था, सीरियस थोड़ी ना हूं। हेलो जॉन, वैसे कुछ इश्यूज है डिस्कशन को लेकर। मैं चाहता हूँ एसोसिएशन को लेकर और उनके रिलेटेड आर्टिस्ट को लेकर भी कुछ इश्यू है, तो मेरे साथ आ सकते हो? क्या ये अर्जेंट है? हाँ, उन्होंने अप्रूवल किया है तो रिप्लाई तो देना चाहिए ना। मैं जो कर रहा हूँ उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। और कुछ है जो मुझसे कहना चाहते हो? जान,
शायद हमें बाद में बात करनी चाहिए, तब तक तुम्हारी हार्ड डिस्क भी चेक हो जाएगी। किस लिए? मिस्टर जान, सनेम को कंप्यूटर चाहिए, क्या आप दे सकते हो? मुझे लगता है कि वो आपसे कुछ पूछने वाली है, अब आप देख लीजिए। मैं चलता हूँ, आप शायद बाद में आएंगे, मैं उसे बता दूंगा, ठीक है? ओके। हाँ, क्या बात थी बताओ। हाँ, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हाय गिट, बोलो। जान के पास हार्ड डिस्क है पर उसने अभी तक रिकॉर्डिंग देखी नहीं। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा मिसेस उमा। पहले तो तुम शांत रहने की कोशिश करो, ओके? इस तरह से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर वो रिकॉर्डिंग सनम ने देख ली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, फिर मैं कभी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आप कुछ कीजिए। फिक्र मत करो, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है? अब तुम उस हार्ड डिस्क को हासिल करने का कोई रास्ता निकालो। और ओरिजिनल रिकॉर्डिंग का क्या होगा? ऑल राइट, उसके बारे में मत सोचो, वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूंगी। तुम वही करो जो मैं चाहती हूँ, तुम वहाँ सब कुछ संभालो, समझ रहे हो ना तुम? ठीक है। क्या हो गया इसे? ये देखो, ये कवर के लिए कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। आपकी जानकारी के लिए मैं इसे ही चुन चुका हूँ। आप यहाँ टेक्स्ट दीजिए, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। जल्दी आया, बस आया। मैं खुश हूँ कि तुमने वापस लिखना शुरू किया। अब जब सब साथ आ गए हैं इसीलिए। सब लोग? मुजो, मिस्टर एन, मिस्टर अजीज, जी जी, यही सब लोग। क्या हम टैक्स चेक करें? और हाँ डेनिस, वो भी तो यहाँ है। मेरी स्माइल यहाँ कितनी अच्छी लग रही है। सॉरी। देखो, तुम मेरे लिए आफ्टर शेव ले रही हो, मेरी हेयर स्टाइल अच्छी है, इसके कोई जरूरत नहीं है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब मैं तुम्हें प्लान बताती हूँ। मैं अंदर जाती हूँ पर मैं तुम्हें पहले ही वॉर्न करती हूँ कि कई सारी बुरी चीजें हो सकती है और तुम मुझे हर हाल में बचाओगी। ठीक है, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों करूँ, बताओ मुझे? तुम अगर चाहो तो बॉडीगार्ड भी हायर कर सकती हो ना। क्या हुआ? क्या अब तुम्हारी मसल्स कोई काम के नहीं रहे हैं? ये बस शो ऑफ के लिए है, बताओ तो मुझे। तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना, तुम जाओ और प्रॉब्लम सॉल्व करो, मुझे यूज मत करो तुम, समझी? ठीक है, मैं खुद को संभाल लेती हूँ, ठीक है? मैं ऐसा कर लूंगी, ओके? पर तुम रिग्रेट करोगे। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जब मैं वापस आऊंगी, तो तुम यहीं पर रुकना। मैं बीच में नहीं पढ़ने वाला, तुम जाओ। पागल लड़की। हेलो, हैव ए नाइस डे। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हेलो, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, बल्कि आज तो मैं यहाँ मदद करने के लिए आई हूँ। तुम आराम से पैसे गिनो, मुझे और थोड़े से काम करने हैं यहाँ। मैं यही रुकूंगी, आज मैं साफ सफाई करूँगी, जो काम का नहीं है उसे फेंक दूंगी, समझ गई? बहुत गंदगी है यहाँ। देखिए मिस, आप क्या कर रही है? मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जो क्रीम है मेरी दोस्त की है,
क्या तुम्हें ट्रेड एथिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है? कम से कम इस जार को तो चेंज कर लो। तुम बस उस पर एक लेबल लगा देती हो और उसे 30 गुना ज्यादा कीमत पर बेचती हो। क्यों ऐसा ही करती हो ना? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। क्या कह रही है? वो सारे क्रीम्स मेरे हैं। ये मेरे बाहर जाएंगी प्लीज। पुलिस अब यहाँ आती होगी, फिर तुम उनसे बात करना, ये अच्छा रहेगा। आखिर ये क्या हो रहा है? दिन दहाड़े चोरी हो रही है। छोड़ो तुम। मुझे टच मत करो, मुझे पसंद नहीं तमीज से पेश आओ, समझे? मुझसे दूर रहो। क्या यहाँ कोई है? कोई तुम्हारी चुपचाप यहाँ से निकलो, समझी? क्या नहीं जाऊंगी। मुझे बताइए क्या हुआ? मिस्टर ब्लूथ, अच्छा हुआ आप आ गए। ये औरत मुझसे मेरी क्रीम्स चुरा रही है, मेरे प्राइवेट फॉर्मूला से बनाई गई। हाँ, ये सनम का फॉर्मूला है। तुम लोग अब मेरा नुकसान कर रहे हो और तुम चोरी कर रही हो। इस प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइसेंस है और तुम्हें सजा भी हो सकती है इसके लिए, समझ गए तुम? मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ। मेरा दिमाग भी मेरे मसल्स जैसे काम करता है। फिर हम बाकी की क्रीम भी ले लेते हैं, क्यों है ना? ओके। मेरे जैसा दिमाग तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, इसलिए कोई मुझसे बच के नहीं निकल सकता। ओह, एग्जैक्टली। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, क्या हम कहीं और जाकर कुछ पिए? हम दोनों कहीं चल सकते हैं एक छोटे ब्रेक के लिए। वह एक छोटा सा कैफे है, हम जाकर कुछ खाते हैं, चलो। मैं क्या कह रहा था कि तुम कैफे में आ रही हो कि मैं अकेले ही चलूं? पागल हो जाऊंगा मैं, सही में पागल हो जाऊंगा। अरे, क्या उनके पास फिल्टर कॉफी नहीं है? महतिन भाई, मैंने आपसे ये बात बहुत बार कह चुका हूँ, लेकिन दोबारा कहूंगा। देखिए, मैंने अपना चेहरा आपकी कमर्शियल के लिए इस्तेमाल किया है। इस चेहरे को देखकर ना लोग दौड़े चले आएंगे, आपकी दुकान में लाइन लगेगी कस्टमर्स की। हमारा स्लोगन भी तैयार हो चुका है और वो है, मसल्स का इस्तेमाल नहीं, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अगर दिमाग ना हो तो ये बॉडी का कोई फायदा नहीं। आजकल के लोग बस मसल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन असल वैल्यू तो ब्रेन की ही होती है सर, है कि नहीं? यार मुझो, मैं एक साधारण शॉप चलाने वाला इंसान हूँ, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? मुझे नहीं चाहिए और बिलबोर्ड्स, इन्हें यहाँ से ले जाओ। लेकिन हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, मेरा फोटो भी प्रिंट हो चुका है, देखिए ना, इट्स नॉट इजी। महतिन भाई, एक मिनट सुनिएगा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। आप यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या बेचते हो? नील्स और हैमर्स बेचने से ज्यादा मुनाफा नहीं होगा? आप इसे बेचकर अपनी जिंदगी नहीं बसर कर सकते हैं? इस कमर्शियल के साथ हम बहुत सारी चीजें टारगेट कर सकते हैं। यहाँ कस्टमर्स के लिए बहुत सारे सेट्स होंगे, आप उन्हें डिस्काउंट देंगे और वो आपसे बहुत सारे रिपेयरिंग सेट्स लेकर जाएंगे। और देखिएगा, इससे आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। एक बार इस बारे में सोच कर देखिए, खुद को बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए आप। तुम कह रही हो तो महतिन भाई, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ, है तो डील पक्की। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, मैं भरोसा करता हूँ। तो आपको मुझ पर भरोसा हो ही गया है ना, तो अब ये डील पक्की, अब आप मना नहीं करेंगे। और अब आप हमें चाय पिलाइए, चलिए प्लीज चलिए। नहीं, अब तक हमने पैसे बनाए नहीं है। हम बनाएंगे ना, बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे। हाँ, हम बनाएंगे, मिलकर बनाएंगे भाई। महतिन, मेरे हाथ में चाय का प्याला होगा, मोहल्ले वालों की लाइन लग जाएगी आपकी दुकान पर, कुछ नहीं बचने वाला आपकी दुकान पर, सब बिक जाएगा, देखना आप माला माल हो जाएंगे, आप माला माल। हमने कर दिखाया, थैंक यू सो मच डेनिस। अगर ये कंपनी ग्रो करेगी तो मैं तुम्हें अपने असिस्टेंट बनाऊंगा। क्या हो गया? लगता है तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनना नहीं है, या फिर तुम्हें ये असिस्टेंट पोस्ट ही पसंद नहीं है, सही कहा ना? नहीं नहीं, मुझे पसंद है, उल्टा मुझे तो ये बहुत ब्राइट आइडिया लगा, इट्स वेरी पॉजिटिव। ओफ, नहीं पसंद है तो साफ साफ मुझे बोल दो। तुमने शॉपकीपर को कन्विंस किया, इसलिए मैंने तुम्हारी तारीफ की। इस चीज पे ज्यादा खुश होने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। क्या ये कोई थेरेपी सेशन है? मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी हो ना? क्या तुम तुम्हारे ऑरा से मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो? मैं सब जानता हूँ, समझी तुम? मिस डेनिस, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेलो, बहुत लोगों ने खेला है, लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हमारे मैनेजर मिस्टर अहमद आपसे मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं सब करना, लेकिन आपका सीवी देखने के बाद, वो काफी अच्छे इंसान है। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस जॉब की जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं। मिस एमिल, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है फरदा, थैंक यू वेरी मच, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, लगभग एक घंटा लगेगा, मैं बाद में इन्फॉर्म करती हूँ। इस सब चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, सी यू लेटर। कि मेरे साथ क्या होता है? हाँ, डिजाइन हो चुका है, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। सनम की फोटोज प्रिंट हो चुकी है, मेरा मतलब जो तुमने जो चूज की थी वो। थैंक यू सो मच।
जी जी, मेरा लैपटॉप दे सकते हो? बिल्कुल। जैसे पहले के जमाने में होता था, कुछ नहीं। सनम, नसरीन रुको रुको, अरे मेरी बात तो सुनो, रुको, अरे कहाँ जा रही हो, मेरी बात सुनो, रुको, अरे कहाँ जा रही हो। नसरीन नसरीन रुको रुको, प्लीज एक मिनट के लिए रुक जाओ। उसने नोट लिखी है उसके मॉम के लिए, वो दुनिया घूमना चाहता है और इस औरत की सचमुच जान निकल रही है, अब हम क्या करें। वो हमेशा ऐसा करती है, पिछली बार उन्होंने बोट बनाई थी, वो बाहर आएगा, डोंट वरी। हमने हर जगह चेक कर लिया है लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला है। मैं काफी डर गई थी, कभी इतना दूर नहीं गया है। संभालिए, आपने पुलिस को बुलाया? हाँ, पर पुलिस का कहना है कि 24 घंटे से पहले वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं 24 घंटे नहीं रुक सकती। हाँ नहीं रुक सकती गाइस, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और उसे ढूंढना शुरू करते हैं। जान तुम ध्यान रखना, शायद मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा। देखो आज सुबह हमारी बात हुई थी, वो मुझे बता रहा था कि वो एक सेलर बनना चाहता है और दुनिया घूमना चाहता है। मेरी उससे बात हुई और तब मैंने उसे बताया भी कि पोर्ट जंगल के पीछे है और वहाँ से शुरुआत करना। तो चलो फिर उसे ढूंढते हैं। पहले हम खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम टीम्स बनाते हैं, हर एक टीम में दो लोग होंगे, अपने साथ पानी रखना और जानेर के लिए खाना भी रखना, एक ब्लैंकेट क्योंकि वहाँ बहुत ठंड हो सकती है। मिसेस नसरीन आप विलेज में ही रुकिए, फिक्र मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है तो मैं यही रहती हूँ। इनका नंबर लिख लेना और हर वक्त उन्हें इन्फॉर्म करते रहना, ठीक है, ताकि वो परेशान ना हो, ठीक है, समझे? रुकिए मैं नंबर सभी को फॉरवर्ड करती हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, मैं जेजे के साथ जंगल में जाता हूँ, ठीक है? मुझो जेजे संभल के, गांव वालों को वहाँ एक भालू दिखा था। आप हमारी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो भालू हमें देखकर डर जाएगा। हम साथ में चलते हैं। हाँ हम जा रहे हैं, मैं बस अभी आती हूँ। ऑलराइट देन, इगी तुम्हारे पैर ठीक नहीं है इसलिए जंगल में चलना आसान नहीं होगा। सनम हम साथ चलते हैं। नहीं मैं अकेली जाती हूँ, गांव वालों ने कई बार वहां भालू देखे हैं। तो चलो सब फैल जाओ। भालू चलो हम भी चलते हैं। हाँ भी चलो साथ। बे ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, है ना? हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे, उनकी रूम कहाँ हो सकती है, कौन से फ्लोर पर? बड़ी बिल्डिंग है और देखो यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। पर हम कैसे ढूंढें? मैं लैला को कॉल करती हूँ, पता चल जाएगा। बेटा तुम कैसी हो? हाँ मॉम बोलिए। तुम्हें पता है कि हम इस वक्त कहाँ हैं? आप कहाँ पर हैं? हम ग्रिस्लेयर होल्डिंग बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, एमरे से मिलने आए हैं। तो जल्दी से बताओ वो कौन से फ्लोर पे है, ऑफिस कहाँ है उसका बताओ, हम चले जाएंगे। काश आपने पहले बताया होता, क्योंकि फिलहाल वो वहाँ नहीं है, वो एक फाइनेंस कंसल्टेंट है, वो वहाँ कस्टमर्स को बाहर मिलते हैं इसीलिए वो वहाँ नहीं होते हैं मॉम। आगे। हेलो डैड, कैसे हैं आप? कैसे हैं? वेलकम मॉम। थैंक यू बेटा। आप लोग यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ तो हमने जो कुछ भी किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हमने सारे सिचुएशन देखकर ये सोचा कि क्यों ना हम आपको एक तोहफा दें ताकि आप हमें माफ करें। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी डैड, ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे काफी खुशी का दिन है तो साथ में क्यों ना हम चलकर चाय पिए। चाय पीनी है जरूर, चलिए पास में कैफे वहाँ चलकर पीते हैं। नहीं, नहीं, हम तो ऑफिस देखना चाहते हैं तो ऑफिस में ही बैठकर चाय पीते हैं ना, मजा आएगा। देखिए ऑफिस में बहुत भीड़ है, हम वहाँ चलकर पीते ना। कोई बात नहीं, हम आपके बिजनेस फ्रेंड से मिल लेंगे ना। चलो 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 चलो, ऑफिस में ही बैठते हैं, ये काफी अच्छा रहेगा और इस बहाने हम उनसे मिल भी लेंगे, है ना बेटा? चलो 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 बेटा। मुझो मुझो, हाँ दो शब्द हैं, पहला नेशनल या फिर इंटरनेशनल। नेशनल इंटरनेशनल अब्रॉड से क्या है, वापस जाना है क्या?
अरे हम पहले ही बहुत आगे आ चुके, वापस नहीं जा सकते क्या? इधर आओ। अरे यार हम दोनों इतने पास में, फिर तुम ऐसे इशारों से क्या कम्युनिकेट कर रहे हो? सामने बोलो ना। इशारे पर इशारे किए जा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक शब्द दो शब्द क्या बोल रहे हो तुम? हम गुम गए हैं। क्या सच में? हाँ। मुझे पहले से ही लग रहा था, मैं तुम्हें ये बात डेढ़ घंटे पहले बोलने वाला था, लेकिन तुम इतना कॉन्फिडेंट लग रहा था कि मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया। अब हम क्या करेंगे? मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ हम इस जंगल में गुम गए हैं। वो भेड़िया हमें खा जाएगा जेजे, अब हम क्या करें? हमने जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन दोनों साथ में देखे, दुआ दो। हंसे और रोए भी साथ में, सही कहा ना? रुको, नहीं अब मैं नहीं रोऊंगा। पहले मैं बहुत रो चुका हूँ, लेकिन अब नहीं, अब मैं बहुत मजबूत हो गया हूँ। एक काम करते हैं, हम उसका नाम जोर जोर से चिल्लाते हैं, क्या कहते हो तुम? गुड आइडिया, अच्छा है, ठीक है। लेकिन उसका नाम क्या है? जानेर। हाँ, हम जानेर चिल्लाएंगे ताकि वो हमारे पास जल्द से जल्द आ जाए और हम वापस जा सके। जानेर, जानेर कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो जानेर? बाहर आओ। हाँ, देखो इस पेड़ की टहनी टूटी है, वो यहाँ से गुजरा होगा। अला, ये टहनी टूटी है, वो जरूर यहाँ से गुजरा होगा। वो देखो वहाँ भी एक टूटी हुई है, कितनी सारी टहनियाँ टूट चुकी है। इस बच्चे ने पूरा जंगल ही तोड़ दिया, ये बच्चा है कि टार्ज़न? वो ऐसा क्यों करेगा भला? जनर, अरे ओ टार्ज़न के बच्चे, यहाँ पर आ जा, हमारी फटी पड़ी है। बाहर आओ। तुम जान के साथ क्यों नहीं गई? सनम, तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे कि तुम उसके साथ जाना चाहती हो। ये कौन सा रास्ता था? नहीं, वो नहीं। अब क्या करूं? अब क्या करूं? नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ। यहाँ या वहाँ? यहाँ, यहाँ, यहाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जानेर को ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगा उसने यही रास्ता पकड़ा होगा इसलिए यहाँ आ गया। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम सही रास्ते पर हैं। हाँ। Come on, ladies first. ठीक है। हाँ। जानेर! नहीं, जब कोई उसे बुलाता है तो वो आंसर नहीं देगा, वो एक स्पेशल बच्चा है, वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है। जब मैं छोटा था तो मैं भी ऐसी हरकतें करता था। हाँ, इसीलिए आप भी भागने में काफी एक्सपर्ट हो गए हैं, आप भागते ही रहते हैं। हाँ? जाने मम्मी, मुझे किसी ने काटा। क्या? किस चीज ने? अरे नहीं, किसी ने काटा नहीं, ये बस एक काटा था। काटा मुझे चुभा, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने सुना है काटा चुभने से कुछ गंदी बीमारी होती है, क्या नाम है याद नहीं आ रहा। चुप करो, मुझे लगता है हमें जंगल में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। हाँ देखो ना, 5 मिनट पहले हम दोनों उस पेड़ के पास थे और 2 मिनट पहले हम वहाँ उस तरफ थे और अब हम यहाँ पर खड़े हैं, जंगल में गोल गोल घूम रहे हैं बस हम लोग। हम घूम गए हैं, हम बस्ती से काफी दूर आ गए हैं। सही कहा जेजे, वो भालू हमें मस्त तेल में फ्राई करके खाएगा। चुप करो, चुप करो, इतना नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव एनर्जी मत फैलाओ, धीरे धीरे। यहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं है, हमें कौन बचाएगा जेजे? डर के मारे सुसु लग रही मुझे। क्या कर रहे हो? वो देखो वहाँ पर घर तो दिख रहे हैं, शायद हमारी जान बच जाए, कोई तो हमें बचा लेगा। वेरी गुड। मुझे लगता है कि मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मैं ये नहीं कर सकती, कभी नहीं, मैं इन शूज में कभी नहीं चल पाऊंगी, तुम समझो। डेरेन, क्या तुम उन बच्चों को जंगल में हाई हिल्स में ढूंढने वाली हो क्या? अगर तुम गिर गए तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। जब मैं 14 साल की थी तब मेरे पास ऐसे शूज थे और अब ये कितने गंदे लग रहे हैं। नहीं, वो बहुत अच्छे है, तुम इसे पहन लो, कम ऑन। मैं तुम्हें पहनाता हूँ, चलो जल्दी। मेरी ट्राउजर कफ्स क्या ये अंदर रहेंगे? अंदर रहेगी, वरना वो कीचड़ से खराब हो जाएंगे। ओके, मैं ये पहन लेती हूँ, पर सिर्फ उस बच्चे की भलाई के लिए, मुझे सच में उसे ढूंढना है, बाकी और कोई वजह नहीं है, वरना मैं कभी नहीं पहनती। देखो ये कितने अच्छे, तुम्हें दिखाई नहीं देता? नहीं, ये बहुत गंदे हैं। नहीं नहीं, वो अच्छे लग रहे हैं, इस विंटर फॉल शूज के लिए बेस्ट शूज लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट, क्या बात है। हाँ वो परफेक्ट है मिस डेरेन, सच में परफेक्ट। हम यहाँ जंगल में स्ट्रगल कर रहे थे और आप देखो यहाँ क्या कर रही हैं, इससे आपको बच्चा ढूंढने में कोई मदद मिली क्या? नहीं, हम ढूंढ नहीं पा रहे, तुम कहाँ थे? हम जंगल में गए थे, हम वहाँ उस लड़के को ढूंढने गए थे लेकिन हम खुद ही फंस गए, रास्ता भूल गए। शुक्र है कि उस जंगल में ना ही हमारे साथ मंगल हुआ और ना ही दंगल। अब हम साथ में, क्यों ना हम साथ में ढूंढ ले? नहीं, हम जंगल में थे इसलिए हम ढूंढ सकते हैं, हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ये जंगल अब हमारा है। हम जंगल में जाएंगे और उस लड़के को जरूर ढूंढ निकालेंगे, वो टार्ज़न का बच्चा कहीं ना कहीं जरूर होगा। जे जे,
फॉलो मी। जे जे वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। हम जंगल में गए थे, हम जंगल में गए थे, हम उस लड़के को ढूंढेंगे। मुझो मुझो क्या कर रहे हो तुम? मुझो मुझो यहाँ इस रास्ते से, इस रास्ते से। जे जे कहाँ जा रहे हो? वो शूज तुम ही पहन लो या पे सर पर मार लो। हम क्या कर सकते हैं, चलो जंगल चलते हैं। हाँ चलो चलते। पता नहीं उसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा। जानेर, सनम ये देखो जानेर का मैप। आपको कैसे पता ये उसी का है? आज सुबह वो मेरे पास आया था और तब मैंने उससे बताया था कि वो पूरी दुनिया कैसे देख सकता है। दुआ करूंगी उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे, ट्रस्ट मी। हाँ हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन उसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा? वो अकेले उसकी देखभाल करती है और अकेले बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है, और 3 बच्चों को तो उससे भी ज्यादा। पापा, हमें भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है पापा। तुम थोड़े ज्यादा क्रिप्स खाना क्योंकि तुम चल रही हो। 3 बच्चे, अब ये कहां से आए थे? आपने मेरी किताब नहीं पढ़ी है ना? एनीवेज हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं उसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा। हाय, हमने इन्हें चाय की आदत डलवा दी, वरना तो ये एक्सप्रेसो पीने वाले लोग हैं, अब ये चाय पीने लगे हैं ना। नहीं मॉम, मैंने आपको ये चाय पिलाई क्योंकि आपको ये पसंद है, ये सच में बहुत अच्छी है। चाय पूरी हो गई तो चलिए अब हम चलते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, लेकिन हमारी चाय अभी तक खत्म नहीं हुई है। आप हमारे बारे में कितना सोचते हो। थैंक यू। नहीं थैंक यू सो मच मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए, आपने मेरे लिए चॉकलेट्स और बहुत ही अच्छी पेन लाए, थैंक यू सो मच। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस पेन से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। हाँ जरूर जरूर। तो चलिए फिर चलते हैं, ये पेन मेरे पास है, थैंक यू सो मच, चलो चलते। आपको इतनी जल्दी क्यों बेटा, बैठो ना। तुम्हारा फोन निकालो, हम एक सेल्फी लेंगे, लैला को भेजेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला? बाद में पड़ोसी भी इसे देखेंगे है ना। रुको ना, अभी ले रही हूं। अच्छा नहीं नहीं डैड मैं ठीक हूं। हां बेटा बैठ क्यों नहीं जाते? तुम्हारा ही तो ऑफिस है, रेडी हो ना। एमरी यहाँ क्या चल रहा है? हेलो, मैं एमरी की सास हूँ, और ये है मेरे हस्बैंड एमरे के ससुर जी। मिल्कबे, ये यही यंग लेडी है ना जिसके पपी डॉगी वो ये लीजिए। नो थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी एमरे, एमरे ये सब क्या चल रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन? आई एम रियली सॉरी एमएल। मॉम और डैड, मैं आपको सब समझाता हूँ। जनर, जनर कहाँ है वो? मुझे फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हम प्रिमिटिव हैं? हम इस मॉडर्न जिंदगी के बेनिफिट्स क्यों नहीं ले रहे? मुझे सच में ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? तुम एक कैंपेन अरेंज कर सकते हो, एक पेटिशन इंटरनेट पर तुम लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और कम से कम 100 लोग बच्चा ढूंढने में मदद करेंगे। कंपाइन, तुम्हारे पास कंपाइन के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है क्या? मुझे तो यकीन नहीं होता कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे डिस्कस करती होगी तुम। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर तुम कंसर्न्ड हो तो। नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो सिर्फ गैस कर रहा था। पर मुझे ये कहना होगा कि अकेला रहना तुम्हारे बस में होता है, इसलिए मेरे अकेले होने की और कोई वजह नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, समझे तुम? जनर,
जनरल, तुम्हें हिम्मत है तो बाहर आ जाओ, मैं एक पायलट हूँ, आ जाओ आ जाओ, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। जनरल, जनरल तुमने तो हमें डरा दिया, हम कितना डर गए थे। तुम अकेले इस जंगल में, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो तुम्हें तुम्हारी माँ का भी ख्याल नहीं आया। नहीं, मेरे पास मैप है ना, मैं उसे साथ में लेकर आया हूँ। मैं ये खुद को जंगली जानवर से बचाने के लिए लाया हूँ। मेरे पास खाने के लिए भी सब कुछ है, देख लो आप भी खा सकते हो। ए, क्या तुम एक स्काउट थे? क्योंकि तुमने अच्छा काम किया यहाँ। जान, शायद अभी नहीं। जाना, तुम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं, उन्हें ऐसे परेशानी में नहीं डालना चाहिए। तुम जब बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, और शायद तुम भी उनकी परवाह करने लग जाओगे, और फिर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो। लेकिन उससे पहले ठीक है, कुछ जान लो, वरना तुम ऐसे आदमी बन जाओगे जो हमेशा भागता रहता है। या कोई ऐसा आदमी जिस पर कोई यकीन नहीं करता, सब तुम्हें झूठा समझेंगे। आपने जो कहा वो ठीक है। इधर आओ, बैठ जाओ, आ जाओ। देखो, ये मैजिकल नेकलेस है जो सेलर्स अपने साथ कैरी करते हैं, तुम रख लो इसे, ओके? सही वक्त पर समंदर खुद तुम्हें बुला लेगा। ठीक है, हाई फाइव। पर अभी नहीं, ओके? क्योंकि अभी सही वक्त नहीं है, हमें तुम्हारी मॉम को कॉल करना चाहिए, पर मैं तो अपना फोन घर पे ही भूल गई। क्या आप कॉल करोगे? ठीक है, पहले अपना सामान साफ कर लो, तुम यही रखो जनर, ठीक है? मेरा हाथ पकड़ो। हाँ हाँ, नाइस नाइस नाइस, ब्रावो। जान भैया, आप प्लीज सलीम दीदी का ख्याल रखिएगा, उन्होंने बताया कि वो बहुत डर गई है। किस बात का डर? अकेले रहने का। ये काम नहीं कर रहा। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं चल सकती। वो लड़का गुम हो गया है डेरन, थोड़ा और ट्राई करो। मेरा घुटना। क्या तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। कहाँ? मैं देखता हूँ देखता हूँ। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? तुम एकदम ठीक हो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक लकड़ी ढूंढता हूँ, तुम उसके सहारे चल पाओगी। तुम काफी रूड हो, सच में बहुत रूड हो। भालू, भालू, बचाओ, अरे बचाओ, भालू पीछे पड़ गया हमारे। असली भालू, वो कहाँ गया, कहाँ गया? भागो जल्दी। अरे रुको, क्या हुआ? क्या हुआ? इधर आओ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो ना। वो सच में असली भालू था, फिर हम भागे क्यों नहीं? अरे हम तो भाग रहे थे, तुमने हमें रोका ना, चलो तुम लोग भी भागो। अरे एक भालू 48 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, अगर तुम जेम्स बॉन्ड भी होते फिर भी तुम नहीं भागते। क्या ये टेक्निकल बातें क्यों कर रहे हो? डर के मारे मेरी पैंट ढीली हो रही है और तुम ये समझा रहे हो मुझे, भागने क्यों नहीं देते? अरे हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, अगर वो भालू होता तो तुम्हें खा जाता, छोड़ता थोड़ी। जानवर प्लीज स्पेसिफाई करो, किस तरह का जानवर? अगर भालू नहीं है तो क्या है और हमें क्या करना चाहिए? क्या बकवास है? अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ शांति रख सकते बस। अगर वो भालू मुझे मिल गया ना तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, बोलूंगा कि ये लोग तुम्हें नकली समझ रहे थे, मैं तो चला। ए मुझो, कुछ भी बकवास मत करो, अगर वो तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, समझे तुम? आ गया, भागो भागो, बचाओ। मुझे तुम्हारा जूता लेने दो। आइए चलो। यहाँ आओ जनर, तुम अगली बार ऐसा काम नहीं करोगे, ठीक है? ओ सनम, थैंक यू सो मच बेटा। तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है, मुझे दोगे? मिस्टर चान, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा होमवर्क देखूंगी, चलो अब। और ये भी, इसे भी रख लो। अपनी मॉम को परेशान मत करना। बाय दीदी, बाय भैया, बाय दीदी, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।
अब जल्दी अंधेरा हो जाएगा। हम जंगल का रास्ता छोड़कर मेन रोड से जाएंगे। थोड़ा लंबा है पर सेफ भी है। अच्छा होगा अगर हम अलग अलग होके जाएं। सनम हमें साथ में चलना चाहिए। तुम्हारे पास फोन भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो और हो क्या सकता है, आप मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे और मैं भी नहीं, इसमें दिक्कत क्या है।